सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारने वाले कातिल समेत 10 अफराद का गैंग भी पकड़ा गया। आज की स्टूडियो में हम आपको बताएंगे पुलिस ने किस तरह सिर्फ एक पेट्रोल पंप की पर्ची की वजह से 10 के 10 बंदे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था इन सब को पकड़कर जेल के अंदर धकेल दिया। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नया पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले का कत्ल मई में लारस विश्नोई गैंग ने किया था। लारस विश्नोई इन दिनों कैनेडा में मुकीम है। सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर ने विश्नोई के भाई विक्की को मारा था। लारस विश्नोई इसी ताड़ में था कि किसी तरह वो सिद्धू मूसेवाला को मारकर अपने भाई के कत्ल का बदला ले। पुलिस ने कार से मिलने वाली रसीद की मदद से विश्नोई गैंग के 10 अफराद को गिरफ्तार किया। कातिल लोग गाड़ियां भी चोरी की इस्तेमाल करते हैं जबकि इन गाड़ियों की नंबर प्लेट भी झूठी होती है। इस गाड़ी की गुमशदगी की कंप्लेट भी किसी ने लिखवा रखी थी। पुलिस ने जब वो गाड़ी ढूंढी तो इसमें पेट्रोल पंप की एक रसीद भी पड़ी थी। पुलिस ने रसीद की मदद से उस पेट्रोल पंप का पता लगाया। पेट्रोल पंप की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज से पता चलाया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को इस गाड़ी में सवार मशकूक अफराद का पता चला। पुलिस के पास क्रिमिनल लोगों की फहरिस्त भी मौजूद होती है। इनमें से पुलिस के हाथों एक बंदा आया जो कि पुलिस का मतलूब था। ये बंदा सोनीपत के पर्यावर्त थे और यही पर्यावर्त सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाला वाहद बंदा था। पर्यावर्त को पकड़ा गया तो इसने अपने साथ शामिल 10 बंदों को भी पकड़ा दिया। कातिलों ने यह गाड़ी सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के बाद 13 किलोमीटर के फासले पर छोड़ी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता लगाया था ये गाड़ी इन रूट्स पर गई जिनमें से सिद्धू मूसेवाला आ रहा था। इस कत्ल में सिद्धू मूसेवाले का एक दोस्त भी शामिल था। सिद्धू मूसेवाला अपने 4 दोस्तों के हमराह उस दिन अपने करीबी रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। इनके साथ आगे एक दोस्त जबकि गाड़ी के पीछे 2 दोस्त और बैठे थे। कत्ल करने वालों ने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने के बाद पीछे बैठे हुए दोनों दोस्तों पर गोलियां बरसाईं जबकि सिद्धू के पास बैठे हुए दोस्त को कोई गोली भी ना मारी। इसके बाद कातिल पीछे आए और इस दोस्त को गोली मारी और इसका मोबाइल भी ले गए। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से ये भी शक हुआ कि आखिर कातिल करने वाले दोबारा वापस क्यों पलटे और उन्होंने इनका मोबाइल को छीना जबकि सिद्धू के अलावा दूसरे दोनों दोस्तों के मोबाइल नहीं छीने थे। सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप की रसीद की मदद से पुलिस सिद्धू मूसेवाला के तमाम कातिलों को पकड़ने में कामयाब हुई।